मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार न्यूज। मुंबई से सटे कल्याण कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां राह चलती हुई यूपीएससी छात्रा के ऊपर ज्वेल नशील पाउडर फेंक कर लूट पार की घटना सामने आई है। कल्याण कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच भी की जा रही है। मुंबई से सटे कल्याण कुलसेवाड़ी इलाके की रहने वाली 24 साल की लड़की पर ज्वेल नशील पदार्थ फेंककर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। इस घटना में लड़की के कपड़े जल गए हैं और चोरों ने उसका लैपटॉप और कीमती सामान भी जो है लूट लिया है। अब इस मामले की जांच कुलसेवाड़ी पुलिस आगे कर रही है। दरअसल 18 मई की रात को पीड़िता मुंबई के अंधेरी इलाके से अपने घर जा रही थी और ये घटना सामने आई है। हम आ रहे थे क्लास से, मतलब यहाँ कल्याण के लिए, कल्याण के लिए आ रहे थे। आते टाइम जब हम कल्याण ईस्ट की तरफ आने के लिए किए, तो वहाँ पे हम जब नाले के पास से मुड़े, तो मुड़ते टाइम जब हम मुड़े वहीं पे हमारे साथ मतलब किसी ने कुछ केमिकल्स डाले, जिसके वजह से मतलब मुझे मतलब दम जैसे घुटने लगा, मतलब आँख पे भी पर्दे पड़ गए और मतलब उसमें बोलने को भी नहीं हुआ, एकदम दम आवाज़ भी नहीं निकली। और मेरे पास बैग था, उसमें एक लैपटॉप था और उसके बाद एक रुचराज की माला थी जो कि चोरी हो गई है। कुछ एसिड वगैरह कुछ डाले गया जिसकी वजह से कुछ ओढ़नी वगैरह जल गई? हाँ, हमारी ओढ़नी जल गई और हमारा ड्रेस पूरा ख़राब हो गया, जो ड्रेस हमने पहना था। फिर उसके आगे क्या किया आपने? वो ड्रेस के आगे हम फिर आकर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए और उसके बाद यहाँ से हम गए, यहाँ पर जाकर मेडिकल हुआ और रुकमणी हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि मतलब मेडिकल दवा लेके फिर से हम आए। काम से आप आ रही थी? उससे नहीं आ रहे थे, हम क्लास से आ रहे थे यहाँ पर, मतलब इनका लैपटॉप लेके गई थी किसी का, उसका रिटर्न कर रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या है? हम यूपीएससी कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया है कि उसके दुपट्टे भी जल गए हैं, लेकिन किसी तरह वो वहां से भागने में कामयाब रही। बहरहाल इस घटना से पूरे शहर में भय का माहौल बना है और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोक कदम सीनियर पुलिस अधिकारी कुलसेवाड़ी ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या मामला दर्ज है? एक छात्रा थी 26 साल की, जो अंधेरी से ट्रैवल करके कल्याण तक आई। कल्याण के रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में पूरब की ओर वो चलती आई, वहाँ पे पार्किंग में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार, जिन्होंने उसके अंग के ऊपर वाइट पाउडर फेंका और उसकी वजह से उसको जलन हुई और उसका जो लैपटॉप था वो छीन लिया। हमारी डीबी टीम और क्राइम पीआई उसके लिए डिपोर्ट किए गए हैं, वो सीसीटीवी की छाननी कर रहे हैं। उसके बाद में हम आरोपी को जल्दी से अरेस्ट करके ये गुना जल्दी से ही अपराध ओपन हो जाएगा।